हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो सीबीएसई टर्म वन एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग ईएमआई के नाम से भी जानते हैं और इसमें हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग इस सीरीज के हर वीडियो में करते आ रहे हैं। और इसकी जो डिफिकल्टी रेटिंग की हम लोग बात करें तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस ईजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, बीच वाले क्वेश्चंस कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरह का हमारा सीक्वेंस रहेगा, बेसिक लेवल से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हुए फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये टॉपिक जो 15 क्वेश्चन पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी है वो हम लोग एनसीईआरटी की थ्योरी पूरी तरह इसमें से कवर कर दें इन क्वेश्चन के थ्रू, है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये फाउंडेशन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ईएमआई की अगर हम लोग बात करें तो जो फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ फाउंडेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जो हम लोग लिखते हैं फैराडेज लॉ, हम लोग कैसे लिखते हैं, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और ई क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फाई क्या है मेरे पास में, फाई हमारे पास में है फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डी फाई बाई डी टी और वही ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई, इसी को हम लोग फैराडेज लॉ बोलते हैं ना, दिस इज आवर फैराडेज लॉ, हम लोग फैराडेज लॉ बोलते हैं। तो इसी के ऊपर पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एबीसीडी चार ऑप्शन है। पहले में बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये पूछा गया है। बी पार्ट में बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो यहां बात नहीं की गई है। जो फैराडेज लॉ है इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, है ना। डी फाई बाई डी टी हमने बोला दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेर फाई इज व्हाट, फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग फाई बोल देते हैं या फिर इसको हम लोग कभी कभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सेग्रीगेट करने के लिए फाई बी भी बोल देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यहां पर बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं हो रही। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है, हमें पता है कि फैराडेज लॉ तो ये दिया था ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज ई हमारे पास में क्या है, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। ई क्या है मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ई इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑप्शन ए कुछ सही होता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा सा तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ऐसा बोल रहा है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। तो देखो हमें एक रिलेशन पता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। हमें एक रिलेशन पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या फिर ऐसा समझो जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन पता होगा तुम्हें कि ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसा लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ई इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी आर, ये तुमने पढ़ा होगा, है ना, माइनस डीबी बाई डी आर, ये रिलेशन तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीबी बाई डी आर, दैट मीन्स अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल इज माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E लिखता हूं तो माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल E डॉट डी आर, जो पोटेंशियल है मेरे पास में, पोटेंशियल इसी को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल E डॉट डी आर, मतलब पोटेंशियल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। दैट मीन्स जो फैराडेज लॉ है, ये जो हमें फैराडेज लॉ दिया हुआ है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, वेर ई इज ईएमएफ, ईएमएफ मतलब यहां पर जो ईएमएफ है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज मत हो, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड, यहां से ई से रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं, कुछ वी भी बोल सकते हो लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड ई अगर है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले बात मैं ये बता दे रहा हूं, है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा नोमेनक्लेचर थोड़ा सेम जैसा दिख रहा होगा इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी जो कि यहां से हम लोग देखते हैं फैराडेज लॉ से दिया गया है, वेर ई इज पोटेंशियल और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। दैट मीन्स अगर मेरे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी अगर पोटेंशियल या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज व्हाट, पोटेंशियल, है ना, अगर डी फाई बाई डी टी पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, है ना, क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रिलेशन ये पता है, जो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का, ग्रेडियंट डीवी बाई डी आर, पोटेंशियल का ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर वो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो फैराडेज लॉ को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम लोग बहुत बार ये सारी चीजें बात करते हैं,
ये जो बेसिक सी चीज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी यूज होती है, और हम लोग ये रिलेशन को डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, तो देखो जो फैराडे है ना, फैराडे ने थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो फैराडे लॉ दिया है ना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, और वो हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डीटी, ऐसा उन्होंने बताया था। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाय डीटी, उन्होंने ये बोला था। जो फैराडे ने एक्चुअल बोला था वो ये चीज बोला था, उन्होंने साइन वाइन के बारे में बात नहीं किया था, उन्होंने बस इतना बोला था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फाई है मेरे पास में, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर से लिख देता हूं मैं मैग्नेटिक फ्लक्स, उन्होंने बोला था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है ई इन ईएमएफ इंड्यूस्ड है, दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, है ना। अब जो साइन की बात होती है, साइन की बात इसमें किसने दी थी, जो साइन दिया था वो लेंज लॉ ने दिया था, लेंज ने बोला था, ठीक है, और लेंज लॉ ने बताया था कि उन्होंने बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का एक उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन से ये प्रूव किया था कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है दैट इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा, ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, इसका ये सिग्निफिकेंस है। जो फ्लक्स का जो चेंज है, डी फाई बाई डी टी में नेगेटिव साइन लगाने का क्या मतलब है, जो फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, है ना, यहां से ये सिग्निफिकेंस है। और ये जो चीज आया है, ये आया है एनर्जी कंजर्वेशन से। लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रूव भी किया हुआ है कि किस तरह से ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो ये सारी जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो पोलैरिटी मतलब प्लस साइन या नेगेटिव साइन, पोलैरिटी मतलब क्या हुआ कि प्लस या माइनस, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो जो मैग्नीट्यूड है वो फैराडे ने दे दिया। ये जो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो हमने मैग्नीट्यूड की बात की वो हमने फैराडे ने इसको दे दिया, है ना। बट इसका जो साइन है, ये जो पोलैरिटी है, दिस इज द पोलैरिटी, पोलैरिटी किसने दिया, पोलैरिटी लेंस ने दिया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहां पे जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकंड। तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, एक कॉइल है ना, इस तरह की एक मैं कॉइल बना देता हूं, एक कॉइल है, इस तरह की कॉइल है, और कॉइल में जो करंट है, इसमें जो करंट है आई सपोज, तो आई बेसिकली कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं आई चेंजिंग फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, देखो यहां से 0.1 सेकंड बोला गया है ना, एंड द एवरेज वोल्टेज इज 50 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ। मतलब अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें, डेल्टा वी जो वोल्टेज प्रोड्यूस किया, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, दैट इज 50 वोल्ट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इस तरह से जो एवरेज यहां पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे अगर हम लोग डेल्टा आई की बात करें, तो डेल्टा आई इज व्हाट, यहां पे देखो इस इक्वेशन से हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा आई इज व्हाट, चेंज कितना हुआ, ये चेंज हुआ 5 से 2 गया, तो चेंज कितना हुआ 2-5, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -3 एम्पियर इतना चेंज हुआ, और टाइम लगा इसको कितना, डेल्टा टी हम लोग बोल सकते हैं, कितना टाइम इंटरवल लगा, दैट इज 0.1 सेकंड। तो ये सारा हमारे पास में डेटा है। अब हमें एक रिलेशन पता है, रिलेशन ये होता है कि ई जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में जो कि करंट के चेंज को अपोज करता है ना, और उसको हम लोग लिखते हैं ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। एक हम लोग अपोजिंग यहां पर माइनस साइन भी यहां पर लगाते हैं, ई इक्वल्स टू -LdIdt। अब यहां से हमें अगर एवरेज, सारी चीज एवरेज में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईएमएफ डेल्टा ई बोल दो या डेल्टा वी बोल दो, मैं डेल्टा वी बोल देता हूं, जो एवरेज वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ, जो बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ, एवरेज वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, दैट इज डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एल टाइम्स ऑफ, इसको हम लोग चेंज के टर्म्स में डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, है ना,
ठीक है, अब डेल्टा वी की जगह यहां पर पुट कर दो 50, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एल, डेल्टा आई की जगह पुट कर दो यहां पर से, डेल्टा आई हमारे पास में माइनस 3 एम्पीयर दिया हुआ है, अपॉन डेल्टा टी हमारे पास में 0.1 सेकंड दिया हुआ है। तो यहां से बहुत प्यार से एल की जो वैल्यू है वो देखो, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट होता हुआ नजर आएगा और एल की वैल्यू 5/3 नजर आएगी। तो 5/3 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 5/3 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1.67। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इजी लेवल के क्वेश्चंस। ओके, अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है अ स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर, एक स्क्वायर है जो कि साइड एल मीटर है, तो एक स्क्वायर हम लोग एल मीटर का, एक एल मीटर के साइड का एक स्क्वायर हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, है ना, इस तरह का स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड लेंथ कितनी है एल मीटर, इस तरह से लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, इसको हम लोग बोल देते हैं कि एक एक्स वाई प्लेन में इस तरह से लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ले लिया हमने, चलो दिस इज एन एक्स वाई प्लेन। ओके, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इक्वल्स टू बी नॉट इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप टेस्ला, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, वेयर बी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ये देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की बेसिक सी जानकारी हमें होनी चाहिए, फ्लक्स इज बी डॉट ए, बी वेक्टर, और इसको हम लोग एरिया वेक्टर के टर्म्स में देखेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पूछा है, बी डॉट ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दी हुई है, बी नॉट इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अब इसका हम लोगों को डॉट किसके साथ लेना है, एरिया वेक्टर। अब इस ये जो हमारे पास में स्क्वायर है इसका एरिया वेक्टर अगर हम लोग देखें तो देखो स्क्वायर किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसकी जो एरिया वेक्टर हमें पता है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, इसकी जो डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन होगी, नॉर्मल टू द प्लेन। और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका एरिया, है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर तो हो गया इसका एरिया, और इसके साथ हम लोग इसका डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन मैंने क्या बताया, डायरेक्शन इसका हो जाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड, तो इसको हम लोग के कैप लिखेंगे इस तरह से। अब बोलोगे कि सर माइनस के कैप लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, माइनस के कैप लिख सकते हो, इसलिए यहां पे मैग्नीट्यूड की बात की गई है ना, इसमें हमें मैग्नीट्यूड बताना है, तुम माइनस के कैप लेके करो तो भी मैग्नीट्यूड तो वही आने वाला है, माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर के कैप हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड वही आने वाला है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बेसिकली हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, बी वेक्टर हमने लिख दिया, एरिया वेक्टर हमने लिख दिया डायरेक्शन के साथ। अब इसका हमें सिंपली डॉट लेना है, तो डॉट लेना मतलब क्या, ये के कैप वाले टर्म ही बस बचेंगे, बाकी आई कैप और जे कैप वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो यहां पर भी ये बन जाएगा डॉट, हम लोग लेना आता है, दिस इज 4l स्क्वायर, है ना, बी नॉट 4b0l स्क्वायर, मैं इसको लिख दूं एक सेकेंड, इसको मैं लिख दूंगा 4b0l स्क्वायर, वन सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 4b0l स्क्वायर, है ना, दिस इज माई फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बोल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज 4b0l स्क्वायर। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यहां बोला गया है कि फैराडेज लॉज आर कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, चार्ज, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, या बोथ बी एंड सी। तो फैराडे का जो लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे फैराडेज लॉ बेस्ड है, ये चीज हमें पता है, ये हमने बहुत बार एनसीईआरटी की थ्योरी में भी कवर किया था, है ना, तो फैराडेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज फैराडेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ये थोड़ा एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस इसमें जो चीज है उसको वेक्टर में इस तरह से विजुलाइज करना है, 3D में हमें विजुलाइज करना है कि क्या चल रहा है, एक बार इसको बना लो, जैसे इसमें सारे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस कोऑर्डिनेट्स को एक बार देखोगे तो सारा चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, ठीक है, तो अप्रोच करना सीखो इस तरह के क्वेश्चंस को, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हें डराने हॉन्ट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का ढंग देखो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार तुम इसको बस एक बार बना लोगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं हमारे पास में 3D कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो एक बार हम लोग इसको 3D एक्सिस में रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट्स, किस चीज के कोऑर्डिनेट्स इसमें दिए हुए हैं। ये एक्स वाई जेड हमने कुछ इस तरह से बना लिया,
अब यहां पर बोला गया है कि देखो क्वेश्चन बोला गया, अ लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज सिक्स कॉर्नर्स, छह कॉर्नर्स हैं, एक कहां पर है, ए पॉइंट दिया हुआ है 0.0.0 में, तो ए पॉइंट यहां पर है जिसकी कोऑर्डिनेट है 0.0.0, बी की कोऑर्डिनेट दी हुई है एल कॉमा 0.0, मतलब क्या है ये एक्स एक्सिस में लाई करेगा बी, तो दिस इज एल कॉमा 0.0, है ना, सी की कोऑर्डिनेट दी हुई है L, L, 0, मतलब ये यहां पे कहीं लाई करेगा L, L, 0, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेगा, दिस इज पॉइंट सी, है ना, दिस इज L, L, 0, डी पॉइंट दिया हुआ है 0, L, 0, दैट मींस ये वाई एक्सिस में लाई करेगा, तो डी एक्सिस लाई करेगा वाई एक्सिस में, डी पॉइंट लाई करेगा वाई एक्सिस में 0, L, 0, ई पॉइंट की अगर बात करें तो ये लाई कर रहा है 0, L, L, 0, L, L, अब ये कहां पे लाई करेगा, ये देखो वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, ये चीज वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, तो कुछ इस तरह का हम लोग बनाएंगे, वन सेकेंड, कुछ इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, जेड एक्सिस के वाई जेड में, इस तरह वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, ओके, और ये जो ई पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट से दी हुई है दैट इज 0, L, L, है ना, और एफ पॉइंट है 0, 0, L, तो ये कहां है, ये जेड एक्सिस में है, तो z एक्सिस में इस तरह से हम लोग इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ऑन z एक्सिस और ये पॉइंट मेरे पास में f है और जिसकी वैल्यू है 0, 0, L, अब ये चीज तुमको बिल्कुल पूरी तरह से विजुअलाइज होती हुई नजर आ जाएगी कि ये क्या बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, ओके, अच्छा इसमें पूछा क्या गया है, अब मैग्नेटिक फील्ड b बी नॉट आई कैप प्लस के कैप टेस्ला, एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है इज प्रेजेंट इन दिस रीजन, इस रीजन में, इस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप ए बी सी डी, जो भी ये लूप है ABCDEFA, ये जो लूप है इसके थ्रू फ्लक्स पूछा गया, फ्लक्स हमें सीधा सीधा पता है, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, हमें पता है दिस इज बी डॉट ए वेक्टर, बस यहां ये जो लूप है ना इससे हमें एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है, उसके साथ हमें डॉट लेना है, दिखने में ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, बिल्कुल सीधा साधा सा क्वेश्चन है, एरिया वेक्टर भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, दो स्क्वायर लूप हमें दिख रहे हैं जिसका साइड लेंथ इज एल, है ना, एक देखो सबका ये जो साइड लेंथ है सब तुम्हें एल लेंथ यहां से विजुअलाइज हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये बेसिकली दो लूप है, एक लूप यहां से देखो दिस इज वन ऑफ द लूप, है ना, और इस लूप को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एरिया वेक्टर यहां से देखो मैग्नीट्यूड कितना होगा एल, साइड लेंथ एल है तो एल स्क्वायर हो गया, और जो लूप मैंने हैश किया है ना, जो हैश्ड लूप है इसमें जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में है, दैट मीन्स जेड डायरेक्शन होगी इसके लूप की जो डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन होगी, तो जेड डायरेक्शन को हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हो गया ये वाला लूप, अब हम लोग एक दूसरे लूप को पकड़ते हैं, ये जो हमारे पास में दूसरा लूप है ये लूप को देखो, ये वाला लूप रेड वाला, ये जो रेड वाला लूप है इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें एरिया वेक्टर, इस लूप का एरिया वेक्टर, तो देखो ये किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस कौन, एक्स एक्सिस, तो इसका भी मैग्नीट्यूड एल स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन है तो यहां से हम लोग इसको आई कैप लिख सकते हैं, तो ओवरऑल अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर विल बी एल स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई कैप, इधर ले आओ आई कैप प्लस के कैप, एरिया वेक्टर हमारे पास में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हमें बी नॉट इंटू आई कैप प्लस के कैप, डॉट ले लो इनका बस, ए डॉट बी अगर हम लोग बात करें तो ए डॉट बी देखो बहुत आई कैप वाला टर्म को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज बी नॉट एल स्क्वायर, है ना, आई कैप के कैप क्या के कैप वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये बी नॉट एल स्क्वायर ये चीज हो जाएगा, और हमारे पास में जो ए डॉट बी आ गया, बी डॉट ए लेना चाहिए था, सॉरी ये यहाँ बी डॉट ए यहाँ से हमने लिया, वैसे बराबर है बी डॉट ए लें या ए डॉट बी, लेकिन जो कन्वेंशन है वो हम लोग लेंगे, है ना, तो बी डॉट ए की जो वैल्यू आ जाएगी दैट टू बी नॉट एल स्क्वायर, ये 2 बी नॉट एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा दैट इज 2 बी नॉट एल स्क्वायर, तो बी ऑप्शन यहां से हमें करेक्ट दिखता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप इज इन दैट ऑर्डर, तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, तो फिगर 6.1 हमें दिया हुआ है, इसमें एक बार मैग्नेट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये बार मैग्नेट सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट दिया हुआ है, अ वायर इज कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सिस एंड इज मेड टू टच द सिलेंड्रिकल सरफेस थ्रू अ कॉन्टैक्ट, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं एक वायर यहां से निकला हुआ है, यहाँ इसकी एक्सिस के थ्रू यहां से यहाँ एक वायर निकला हुआ है, और ये वायर यहाँ पे एमिटर भी लगा हुआ है रास्ते में, एमिटर क्यों, करंट मेजर करने के लिए, है ना,
और इसको आइडियल एमिटर हम लोग लेके चलेंगे, हमें ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे कि इसके रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ड्रॉप आ रहा है या फिर वो सब कुछ नहीं, हम लोग आइडियल एमिटर इसको कंसिडर करते हुए चलेंगे। बस इसको एमिटर मतलब क्या है, ये करंट बस यहाँ पर रास्ते में मेजर कर रहा है बस, है ना। इसके वजह से कोई भी रुकावट आ रही है, कोई बाधा आ रही है, ऐसा कुछ भी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग इसका कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आइडियल एमिटर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, यहाँ से इसके एक्सिस से, ये जो एक्सिस था इसका जिसके अबाउट ये बार मैग्नेट रोटेट कर रहा है, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इस तरह से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और यहाँ से एक हमने वायर लिया और ये वायर लेके इसके सरफेस में इस तरह से कॉन्टेक्ट, इस तरह से टच किया, है ना, ये टच है, इस तरह का लूप है हमारे पास में। अब बोला गया है, अब ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट रोटेट कर रहा है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या करंट, किस तरह का करंट हमें मिलेगा, क्या ये एक डायरेक्ट करंट हमको मिलेगा एमिटर के थ्रू, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट, ये डायरेक्ट करंट मतलब यहां पर ये डीसी करंट की बात कर रहा है, क्या इसमें एक डीसी करंट फ्लो होगा, क्या इसमें करंट फ्लो होगा जो डीसी डीसी नेचर का होगा। बी पार्ट में बोला गया है कि इसमें नो करंट फ्लोस थ्रू द एमिटर, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा एमिटर के थ्रू, ऐसा होगा, या फिर ऑल्टरनेटिंग साइनसोइडल करंट फ्लो होगा, या फिर डी पार्ट में पूछा गया है टाइम वेरिंग नॉन साइनसोइडल करंट फ्लो होगा। तो एक चीज देखो, ये जो बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर करंट जो आएगा, वो करंट आएगा भी तो किसकी वजह से आने आएगा, ई इक्वल्स टू जो बेसिक फैराडे लॉ है माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी वजह से, इस ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, है ना, करंट आएगा। अब ये ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से, और यहां पे अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है यहां पे। क्यों, फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या, देखो इस लूप फ्लक्स मतलब क्या, यहां से देखो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है ना, बी डॉट ए, तो एरिया वेक्टर किसका, यहां पे ये जो लूप हमने बना रखा है ना, ये वायर का जो लूप बना रखा है, ये वायर का लूप है, इस तरह से लूप कंप्लीट हो रहा है सिलिंड्रिकल सरफेस को टच करता हुआ, ठीक है, तो ये वायर का लूप, इसका जो एरिया है, ये एरिया तो चेंज, एरिया इज नॉट चेंजिंग, इज नॉट चेंजिंग, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ओके, एरिया चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, जो बार मैग्नेट है उसके हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिमेट्रिकल होगी, पूरी की पूरी तरीके से सिमेट्रिकल होगी। अगर हम लोग छोटा सा मैग्नेट की, अगर एक छोटा सा बार मैग्नेट इस तरह से बनाए, है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अगर एक सपोज एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैंने 2D में दिखाया है ना, ये मैंने 2D में दिखाया, नॉर्थ से साउथ, है ना, ये हमने 2D में दिखाया। तो 3D में ये हर डायरेक्शन में, 3D में हर डायरेक्शन में एक बार सिलेंडर है, तो हर डायरेक्शन में, 3D में हर डायरेक्शन में एक सिमेट्रिकल फील्ड होगी, पूरी तरह से सिमेट्रिकल फील्ड होगी। अब मैं अगर रोटेट भी करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, तो लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम रहने वाला है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में सेम है, उस एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे हैं, जिस एक्सिस की, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेम है और वो चेंज नहीं हो रहा है। ना तो एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर ना तो चेंज हो रहा है, ना तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो मेरा फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज अगर नहीं हो रहा है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो नो करंट फ्लोस थ्रू द एमिटर इज द करेक्ट आंसर। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी, तो दो कॉइल है हमारे पास में, ए कॉइल है और बी कॉइल है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी, है ना, जब ए को बी की तरफ इस तरह से हम लोग वी वेलोसिटी से मूव करते हैं, कुछ वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो एक करंट बी में इस तरह से फ्लो होता है। और बी में किस तरह का करंट फ्लो होना शुरू होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ठीक है, यहां तक ठीक है, एंड स्टॉप्स, यहां पर देखो यहां तक हो गया, फिर इसके बाद बोल रहा है कि इट स्टॉप्स, जो करंट जो फ्लो होना हो रहा होता है बी में वो स्टॉप हो जाता है व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग, जब ए को हम लोग वी वेलोसिटी से मूव करा रहे होते हैं तब तो बी में करंट फ्लो होता है, बट ए को जैसे ही मैंने रोक दिया, ए को मूव करने से हमने रोक दिया, ए मूव नहीं कर रहा है, तो बी में करंट फ्लो नहीं होता है, बी में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, बी तो स्टेशनरी है, ए को जब हम लोग मूव करा रहे होते हैं तो बी में करंट इंड्यूस होता है, बट ए को जैसे ही हम लोग स्टॉप कर देते हैं तो बी में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, ये कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट बोलता है द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, एक चीज हमें ये चीज बताया हुआ है कि करंट ए में जो करंट फ्लो रहा है दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ए की करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
है ना, बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स, ठीक है, बी को स्टेशनरी रखा गया है, व्हाट वी कैन इन्फर, वी कैन इन्फर दैट। तो अब इसमें हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, देखो एक चीज तो बात पक्की है कि जब ए रुका हुआ है, ए की जब वेलोसिटी जीरो है, ए की जब वेलोसिटी जीरो है तो बी में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। दैट मींस ए में जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, क्योंकि ए में अगर करंट टाइम के साथ वेरी होता, ए में ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ए में अगर करंट टाइम के साथ वेरी हो रहा होता तो ए की वजह से, ए लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी होती, और वो अगर टाइम के साथ वेरी होती तो इवन इफ ए रुका हुआ होता बी में करंट इंड्यूस हो जाता। इस चीज को समझो, अभी ऐसा करंट क्यों इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो सपोज ए रुका हुआ है, ठीक है, ए रुका हुआ है, बी भी रुका हुआ है, और ए में एक इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से करंट आई, है ना, इस करंट की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आई, हमें आती है, हमें पता है ना, हमारा राइट हैंड लेते हैं हम लोग, राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में हम लोग इस तरह से कर्ल करते हैं, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट आती है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर से डिफाइन करते हैं, है ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस जो करंट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, है ना, और ये अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो सोचो इस लूप से ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और ये करंट बाहर से आता हुआ बी लूप के अंदर की तरफ जाएगा, है ना, बी लूप में कैसे जाएगा, ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, जो डॉट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी में कैसी घुसेगी, ये बी में अंदर की तरफ ऐसी घुसेगी, जो ए में करंट फ्लो हो रही है, ए में करंट फ्लो होने की वजह से ए की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी में कुछ इस तरह से घुसेगी, और कोई दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है घुसने का, ए लूप से बाहर निकल रही है तो बी लूप में इस तरह से अंदर घुसेगी, और अपना मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि लूप कंप्लीट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपनी लूप कंप्लीट होती है, लूप कंप्लीट करती है, तो ए से निकल के उसको अगर वापस लूप कंप्लीट करना है तो बी में किस तरह से घुसेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घुसेगी, है ना। अब सोचो बी में करंट इंड्यूस होने का, बी में करंट इंड्यूस क्यों होगा, तो हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस, इसी की वजह से, ईएमएफ की वजह से करंट है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स किसकी वजह से चेंज होगा बी में, किस फ्लक्स, बी में फ्लक्स क्यों आएगा, बी में फ्लक्स आएगा ए की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी में आ रही है ना, ए की मैग्नेटिक फील्ड बी में आ रही है, तो उसकी वजह से वो जो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है, बी में जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ए का जो मैग्नेटिक फील्ड बी में जो घुस रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर इज कांस्टेंट, पाई इक्वल्स टू बी इनटू ए, है ना, और ये अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर लूप बी के लिए अगर हम लोग बात करें, तो लूप बी के लिए जो एरिया वेक्टर है दैट इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट दोनों के लिए, तो बी चेंज होना पड़ेगा, बी अगर चेंज होता है तो तभी बी में, बी अगर चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है तभी बी में ईएमएफ इंड्यूस होगा और तभी बी में करंट है, लेकिन यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि जब ए रुका हुआ है उस केस में बी में कोई भी, उस जब ए रुका हुआ है तो बी में कोई भी करंट नहीं है, तो बी में करंट इसलिए नहीं है क्योंकि ए की जो करंट है वो कांस्टेंट है, ए की करंट अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स, बी का जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहां से हम लोग देख सकते हैं एरिया वेक्टर तो कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर अगर कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तभी फ्लक्स कांस्टेंट है, और फ्लक्स का चेंज नहीं आ रहा है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए वो करंट उसमें जीरो है, है ना, बी में करंट जीरो होने का मतलब क्या है, फ्लक्स का चेंज जीरो है, और फ्लक्स का चेंज जीरो तभी हो सकता है जब एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, एक वजह से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तभी हो सकती है जब ए में करंट कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो करंट पर डिपेंड करेगी ना, तो ए में अगर करंट कांस्टेंट है तभी बी की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तभी उसका फ्लक्स कांस्टेंट है, बी का फ्लक्स कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर ए का जो करंट है वो फिक्स्ड करंट होगा, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, है ना, तो यहां से ये चीज हमें समझ में आती है। और जब ये मूव कर रहा होगा, जब ये वी वेलोसिटी से इस तरह से मूव कर रहा होगा,
आंसर तो इतने ही से सॉल्व हो जाएगा। आंसर में क्या पूछा गया, देखो हमें इतना तो बता दिया ए में करंट इज काउंटर क्लॉकवाइज, ए में जो करंट है ये काउंटर क्लॉकवाइज हमें बता दिया गया है। तो ए में काउंटर क्लॉकवाइज है और टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ये हमने देख लिया। ए में करंट जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। देर इज अ कॉन्स्टेंट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए, नहीं देर इज अ कॉन्स्टेंट करंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। तो डी यहां से हमारे पास में सही ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर तो बोल दिया ना ए इज काउंट करंट इन द के, ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज है और वो कैसा है कॉन्स्टेंट करंट, क्योंकि जब रुका हुआ है तो उसकी वजह से फ्लक्स, उसकी वजह से बी में जो फ्लक्स है वो कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा, इसलिए ए में जो करंट है वो एक टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टेंट करंट है। तो डी इसका सही ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देयर इज अ कॉन्स्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। और ये नहीं भी बताता, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं भी बताता तो भी हम लोग ये जो डायरेक्शन है इसका हम लोग डायरेक्शन इन्फर कर सकते थे। क्यों क्यों, देखो अभी मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज कैसे है वो भी तुमको बताने की कोशिश करता हूं। काउंटर क्लॉक ए में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्यों है वो भी मैं तुमको बता देता हूं। यहां तो हालांकि क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है साफ साफ, फिर भी मैं बता देता हूं, है ना। तो देखो ये जो कंडीशन है ये दी हुई है, इतना हमें समझ में आ गया है कि ए की जो करंट है दैट इज कॉन्स्टेंट करंट। अब जैसे ही ए इस तरह से वी वेलोसिटी से मूव करता है, इधर वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो ए की वजह से जो बी में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वो उसके नजदीक आता जा रहा है, ए बी के जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मूव कर रहा है, तो ए में सॉरी बी में, बी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगी। बी में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो जो बी है उसमें कुछ इस तरह से करंट करंट डेवलप होगा जो कि इस बढ़ने को, इस फील्ड को बढ़ने को अपोज करेगा, है ना, जो इस फील्ड को बढ़ने को अपोज करेगा। तो इस वजह से हमें सपोज हमें ये सब कुछ भी नहीं पता है, ये चीज हमें इसका डायरेक्शन वायरेक्शन हमें इनिशियली कुछ भी नहीं पता है, ये हमें कुछ भी डायरेक्शन पता नहीं है। हमें पता है कि जैसे ही ये ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से अगर ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमें पता है कि बी में कुछ इस तरह से करंट डेवलप होगा जो इसके कॉज को अपोज करेगा। तो बी में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब बी में जो मैग्नेटिक, बी की जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो इस डायरेक्शन में आ रही है, बी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ना, ताकि ये फ्लक्स को अपोज करे, जो ए के इधर मूव करने की वजह से, ए की मूव करने की वजह से जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसको अपोज करने के लिए बी में इस डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आया जो कि इस डायरेक्शन में है। दैट मींस ए का फ्लक्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, दैट मींस ए का जो फ्लक्स है वो जरूर इस, ए का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी, तभी बी ने अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के इस चेंज को अपोज किया। अब बी में अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, दैट मींस ए में किस डायरेक्शन में करंट होगी, ए में किस डायरेक्शन में करंट होगी, ए में किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ए की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो यहां इस एक में जो करंट होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ इस तरह से होगी, है ना, ये बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये बाहर की तरफ तभी होगी जब ए में जो करंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज में होगा। तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं, इस तरह से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए में जो करंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका हम लोग कुछ इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को भी। सेम एज प्रॉब्लम 4, ठीक है, वो प्रीवियस क्वेश्चन का रेफरेंस लिया हुआ है। एक्सेप्ट द कॉइल ए इज मेड टू रोटेट, वैसे उसी तरह का कॉइल है हमारे पास में, दो कॉइल है ए और बी। अब क्या कर रहे हैं कि ए को हम लोग इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, ए को इस तरह से हमने रोटेट किया। पहले क्या कर रहे थे, ए को मूव कर रहे थे बी की तरफ, अब क्या कर रहे हैं, ए को हमने रोटेट करना शुरू किया विद सम ओमेगा, है ना। नो करंट फ्लोस इन बी इफ ए इज एट रेस्ट, अब इस लाइन से हमें तो अभी बिल्कुल समझ में आगे आ जाना चाहिए कि नो करंट फ्लोस इन बी इफ ए इज एट रेस्ट। अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है बी में, अगर ए रेस्ट में है, तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि ए की वजह से बी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए में एक ए की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो ए में जो करंट है वो कांस्टेंट है। तो एक बात तो हमें ये समझ में आती है कि जो करंट इन ए है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट करंट है। तो ए में जो करंट है वो कांस्टेंट करंट है, इस लाइन से हमें ये समझ में आ जाता है, ठीक है। ए में जो करंट है दैट इज कांस्टेंट करंट। अब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये चीज हमें देखना है। तो बी में जो इंड्यूस्ड करंट है, बी में जो इंड्यूस्ड करंट है वो अभी काउंटर क्लॉकवाइज है,
है ना, और इस इंस्टेंट की बात चल रही है, इस इंस्टेंट टी इक्वल टू जीरो, ये टी इक्वल टू जीरो का सिचुएशन है, दोनों इस तरह से प्लेन में है, टी इक्वल टू जीरो में इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन है। अब बी में इस तरह की इस डायरेक्शन में करंट है, दैट मींस बी में कुछ ऐसा करंट डेवलप हुआ होगा जो कि चेंज जो चेंज को अपोज कर रहा है, जो कि फ्लक्स में चेंज को अपोज कर रहा है। तो जो अपोजिंग जो फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में है, जो रेजिस्टिंग फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस बी में जो करंट आई वो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज कर रही होगी चेंज को। तो बी में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, वो हम लोग यहां से इस तरह से बना सकते हैं, है ना, राइट हैंड रूल से, है ना, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट की वजह से, है ना, इस करंट की वजह से। अब एक चीज देखो, ए जब इस पोजीशन से रोटेट कर रहा है, ए जब रोटेट करना शुरू किया, तो जैसे ही रोटेट कर रहा है तो ए की वजह से जो बी में फ्लक्स है, ए की वजह से जो बी में मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स है, ए की वजह से बी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड है वो कम होगी। जैसे ये इस पोजीशन पे था तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, अब जैसे ही घूमना शुरू हुआ, ए जैसे ही घूमना शुरू हुआ तो बी में मैग्नेटिक फील्ड कम होगी ए की वजह से, है ना। अब बी क्या चाहेगा कि कम हो रही है तो मैं उसको सपोर्ट करूं, बी ऐसा इंड्यूस करेगा, ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ऐसा करंट उसमें इंड्यूस होगा जो कि इस जो कम होने की जो प्रक्रिया है उसको वो अपोज करेगा, मतलब कम हो रही है तो उसको वो सपोर्ट करना चाहेगा, उस फ्लक्स को सपोर्ट करना चाहेगा, इसकी वजह से इसमें एक ऐसी करंट आएगी जो उसको सपोर्ट करे। जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है एक इस पोजीशन से घूमने की वजह से, बी में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, उसको वो बोलेगा कि नहीं मुझे कम नहीं होने देना, उसकी वजह से इसमें एक करंट डेवलप होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। तो ये जो बी में जो इस तरह से जो एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, या फिर जो एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ए के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, है ना, ए के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी में हमने इंड्यूस होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई, वो ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगी, है ना। तो ए की वजह से बी में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे ही डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ फील्ड में इस तरह से होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर यहां पर बी में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ए में जो डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगी, तो बी में अगर बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ए में वो चीज अंदर की तरफ होनी पड़ेगी, है ना, ए में वो चीज अंदर की तरफ होनी पड़ेगी। और अंदर की तरफ है तो इसको अंदर में राइट हैंड रूल लगाओ, इसकी वजह से जो करंट होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो ए में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये चीज अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये अभी समझाया, मुझे लगता है ये समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी अगर नहीं आता तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लो। इतना मुझे लगता है कि इतना काफी होगा, इतना सफिशिएंट होगा। एक बार अगर तुम रिपीट करके, अगर कहीं किसी पॉइंट पे नहीं आया तो एक बार रिपीट करके इसको देख लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ए में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हमने ये चीज तो निकाल लिया था कि कॉन्स्टेंट करंट है, और ये भी निकाल लिया कि वो क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो क्लॉकवाइज कॉन्स्टेंट करंट कौन सा, देखो कॉन्स्टेंट करंट क्लॉकवाइज ए ऑप्शन है, यहां में सही होता हुआ दिखता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन में बोला गया है द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल। एक सोलेनॉइड है हमारे पास में इस तरह से, हमें पता है कि क्या होता है सोलेनॉइड, और एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ हमारे पास में दी हुई है एल, एल लेंथ की एक सोलेनॉइड है, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर बोले तो इस तरह की क्रॉस सेक्शन एरिया होगी इसकी, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दी हुई है और लेंथ इसकी एल दी हुई है, ओके, विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स इसमें, तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात की गई है। तो देखो अगर सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हें डायरेक्टली पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग एल को लिख सकते हैं म्यू नॉट इनटू म्यू आर, म्यू आर का टर्म जनरली लोग स्किप करते हैं एयर कोर अगर रहता है तो, बट अगर उसमें कुछ सोलेनॉइड के अंदर कुछ अगर तुमने कुछ दूसरा मटेरियल, कुछ अलग परमिबिलिटी का मटेरियल डाल दिया है तो म्यू नॉट इनटू म्यू आर, है ना, म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू एन स्क्वायर ए बाई एल। तो इस तरह से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग लिखते हैं, है ना, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात की गई है। इसमें बोला गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होगा अगर इसमें बोला गया है कि लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंक्रीजेस। अब बोला गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज कैसे होगा, एल एंड ए को इंक्रीज करने पे,
एल डिक्रीज करने पे, ए इंक्रीज करने पे, एल इंक्रीज करने पे, ए डी, इस तरह से ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज कब होगा, अगर एल और ए में कमेंट किया गया। तो एल अगर मेरा डिक्रीज होता है ना, एल को अगर हम लोग डिक्रीज करें तो सेल्फ इंडक्टेंस मेरा इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग इंक्रीज करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंक्रीज करें तो इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारे पास में ऑप्शन दिख रहा होता है, ये जो ऑप्शन है एल को डिक्रीज ए को इंक्रीज, तो बहुत सीधा सीधा हमें बी दिखता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला हम अगर भूल गए तो एग्जाम में, हाँ हो सकता है बिल्कुल भूल सकते हो। तो इसके लिए एक सीधा सा उपाय है, बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएं तो जो फ्लक्स लिंकेज होता है, जो बेसिक बेसिक सी बात होती है, जो फ्लक्स लिंकेज हम लोग डिफाइन करते हैं एन फाई दैट इज इक्वल टू एल आई, ये बेसिक सा, ये बेसिक इक्वेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक 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 सी बात होती है, एन फाई जो फ्लक्स लिंक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट, है ना, ये चीज पता है। तो यहां से एल इक्वल्स टू एन फाई डिवाइडेड बाई आई, हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यहां से डायरेक्टली डायरेक्टली, है ना, एन बाई आई को एज इट इज रहने दो, हमें पता है कि एन क्या है आई क्या है। अब अगर हम लोग बात करें फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा यहां पर, हम लोग फ्लक्स लिखेंगे बी डॉट ए, हम लोग फ्लक्स क्या लिखते हैं बी डॉट ए, और बी को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बी हम लोग लिखेंगे एक सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम लोग क्या लिखते हैं म्यूनॉट एन, म्यूनॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से हम लोग लिख देंगे म्यूनॉट एन आई, और एरिया वेक्टर इस तरह से आ जाएगा एरिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 90 डिग्री में, है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, यहां से हम लोग देख सकते हैं एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एरिया इज 0 डिग्री, तो बी डॉट ए इज बी, बी ए सिंपली बी ए हो जाएगा, है ना। तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए इंटू एन बाई आई, अच्छा यहां पर जो होता है ना दिस इज म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, ये होता है। और स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से हम लोग इसको पुट करेंगे एन आई इंटू म्यू नॉट इंटू एन, स्मॉल एन को हम लोग क्या लिखेंगे एन बाई एल इंटू आई इंटू ए, और यहां से हम लोग देख सकते हैं कि आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए बाई एल। तो यहां से हम लोग इस तरह फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, अगर कोई गलती से ये फॉर्मूला अगर भूल जाए तो ये बेसिक सा जो फ्लक्स लिंकेज वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये बहुत जगह यूज भी होता है। और ये इसी से हम लोग वो डिराइव करते हैं ना, एल इक्वल्स टू एल एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ई एम एफ इंड्यूस्ड माइनस एल डी आई बाई डी टी, ई एम एफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से डी फाई बाई डी टी देखो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हमें बेसिक इक्वेशन जो ई एम एफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल वो इक्वेशन हमें यहां से डिराइव हो जाती है ना, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो d phi by dt equals to minus EMF induced, तो वहां से भी ये चीज डिराइव हो जाती है। तो सब कुछ यहां से इस तरह से लिंक्ड है, अगर एक चीज अगर गलती से भूल भी गए तो दूसरा चीज हमें यहां से पता होगा और हम लोग इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रहना चाहिए, भले ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ये तुम डिराइव कर सकते हो। खैर प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिले तुमको, सीबीएसई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ना, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, इसमें बोला गया है अ मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट है हमारे पास इज गेटिंग हीटेड, एक मेटल प्लेट गेटिंग हीट हो रहा है, इट कैन बी, इट कैन बी क्यों हो सकता है, किस किस वजह से हो सकता है मेटल प्लेट हीट, अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, बिल्कुल हो सकता है। एक जो सपोज मेरे पास में एक प्लेट है, एक प्लेट है इस तरह से मेटल प्लेट है ना, मेटल प्लेट में कुछ इस तरह से बनाता पतला सा प्लेट होगा सपोज, कुछ पतला, ठीक है। अब इसमें से अगर कुछ एक डायरेक्ट करंट फ्लो रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो होने की वजह से क्या मेटल प्लेट की कुछ रेजिस्टेंस होगी, है ना, तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, तो इसको मैं तो हीट लॉस आई स्क्वायर आर के टर्म्स में हीट लॉस हो सकता है ना, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि डायरेक्ट करंट से ये हीटअप हो जाए मेटल प्लेट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बी बी ऑप्शन देखते हैं, इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसको अगर हम लोग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, इसमें एडी करंट्स डेवलप होंगे, और एडी करंट की वजह से टाइम, हम लोग पता है ना इसमें अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो डी फाई बाई डी टी से उसमें फ्लक्स इंड्यूस होने की फ्लक्स में चेंज आने की वजह से उसमें ई एम एफ इंड्यूस होगा, तो उसकी वजह से वो जो एडी करंट्स डेवलप होते हैं, तो एडी करंट की वजह से ये हीटअप हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है,
सी ऑप्शन में बोला गया है इट इज प्लेस्ड, मतलब मैं इसको टिक करता जाता हूं, ए और बी तो हमारे पास में ये करेक्ट ऑप्शन हो गए। सी ऑप्शन में बोला गया है इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको समझ लो। देखो एक मैं एक स्पेस कंसिडर करता हूं, सपोज एक मेरे पास में एक रीजन है ना, एक मेरे पास इस तरह से स्पेस है, तो स्पेस में हर जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, बी वन है यहां, बी टू है यहां, बी थ्री है यहां, बी फोर है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, बी फाइव है, बी सिक्स है ना, स्पेस में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड है एज अ फंक्शन ऑफ आर, अलग अलग आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में देखें तो ये अगर आर पोजिशन है तो पोजिशन में बी की मैग्नेटिक फील्ड अलग है, ठीक है, यहां पर बी वन है, कोई और एक पोजिशन है आर वन है सपोज, ये आर टू है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है बी टू, तो स्पेस में हर जगह पे मैग्नेटिक स्पेस के साथ वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज अ फंक्शन ऑफ आर, स्मॉल आर, तो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी कोऑर्डिनेट्स पे, आर कोई भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो सकता है ना, 3D में भी हो सकता है। तो पोजिशन के साथ स्पेस के साथ अगर ये टाइम मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के साथ वेरी करे तो बी हम लोग बोल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ आर। तो अगर ये जो प्लेट है इसमें स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या ये हीटअप होगा? तो देखो ये जो स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स इंड्यूस नहीं होता है। हम लोग क्या लिखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी ना, और हम लोग क्या टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम लोग स्पेस के साथ नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नॉट स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहां से डी फाई बाई डी टी जो है दिस इज बेसिकली डी बी बाई डी टी है ना, इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डी इंटू बी डॉट ए है ना, बी डॉट ए है डिवाइडेड बाई डी टी। और एरिया वेक्टर अगर कॉन्स्टेंट है और एक फिक्स मान लो ये बना रहा होगा, एंगल बना रहा होगा एरिया वेक्टर के साथ और मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो ए इंटू डी बी बाई डी टी, चलो ये भी लिख लो, माइनस भी लिख लो, डी बी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करें टाइम के साथ। ये जो टी है डी बी बाई डी टी मतलब बी अगर मेरे पास पोजिशन का भी फंक्शन रहे और टाइम का भी, टाइम के साथ भी चेंज करे, पोजिशन के साथ एज वेल एज टाइम के साथ, आर मतलब पोजिशन और स्पेस और टी दैट मीन्स टाइम के साथ, तो ये अगर दोनों के साथ वेरी करे तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें बेसिकली एक ईएमएफ जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ स्पेस के साथ वो वेरी कर रहा है, स्पेस टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, सिर्फ स्पेस के साथ, मतलब बी सिर्फ फंक्शन है आर का, टाइम का नहीं, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है ये बी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें तो ये चीज हमें हमेशा जीरो देगा, क्योंकि स्पेस में अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, स्पेस में अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, ये B1 है, ये B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, B6 है, ये चीज चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग टोटल फ्लक्स की बात करें थ्रू द प्लेट, अगर मैं इसको एक बार रिमूव करूं, एक प्लेट की तरह हम लोग प्लेट में अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो वो चेंज नहीं हो रहा है, ये चीज को समझो। अगर स्पेस के साथ वेरी हो रहा है तो ये सपोज हमने ये जो प्लेट माना है ना, ये प्लेट में इस तरह की प्लेट है हमारी, है ना, प्लेट में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, भले अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ बी वन है, यहाँ बी टू है, यहाँ बी थ्री है, यहाँ पर बी फोर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बी डॉट ए हमेशा कांस्टेंट है, टाइम के साथ वो चीज चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्लक्स तो कांस्टेंट है, फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है इसलिए फ्लक्स कांस्टेंट है हर जगह पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी कांस्टेंट है, और इसमें कोई भी एडी करंट हमारे पास में रिजल्ट में नहीं आएगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी करंट नहीं आएगा, तो इसमें ये हीटअप नहीं होगा, ये चीज हीटअप नहीं हो पाएगा, तो सी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है, तो सी करेक्ट नहीं होगा, सी इज इनकरेक्ट। डी में बोल रहा है अ करंट इधर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग इज पासिंग थ्रू द प्लेट, तो हाँ डायरेक्ट करंट में भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुमको हीटअप मिलेगा, एसी में भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेशन होता है, पावर डिसिपेशन मतलब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेशन मतलब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एसी रहे या डीसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो पावर डिसिपेशन होगा, डीसी एसी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे आई स्क्वायर आर, तो ये आर आई जो है ये हमारे पास में आर एम एस वैल्यू हो जाएगा, है ना, आई स्क्वायर आर, और डीसी रहा तो सीधा सीधा आई स्क्वायर आर हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि डी यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ए बी डी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोला गया है, एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल, एक कॉइल है उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है विच इज नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, है ना, एक हमारे पास में एक कॉइल है सपोज इस तरह का कॉइल है ना, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है विच इज नॉट कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। अब इसमें क्यों ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा,
इसमें ऑप्शन हमें कुछ दिए हुए हैं। ए पार्ट में बोला गया है द कॉइल बीइंग ऑन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये अगर एक ये जो कॉइल है इसको अगर हम लोग एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ए तो करेक्ट है ना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना, डी फाई बाई डी टी। और अगर एन टर्न्स का कॉइल है तो एन डी फाई बाई डी टी माइनस एन फाइव डी फाई बाई डी टी इज द ईएमएफ प्रोड्यूस, बेसिक फैराडेज लॉ। तो ए करेक्ट है। बी में बोला गया था कॉइल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कॉइल है एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसमें उसकी वजह से उसमें भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, दैट मींस फ्लक्स उसमें चेंज हो रहा है, ये जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो डी फाई बाई डी टी आएगा तो ये में इंड्यूस होगा, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से कि बी इज ऑल्सो करेक्ट, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन देखो, इसमें बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, द कॉइल मूविंग इन अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कॉइल है एक कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक इस तरह का मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है रीजन है, तो इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझो, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इसमें ये जो मेरे पास में कॉइल है वो इस तरह से मूव कर रही होती है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रही होती है। तो क्या इसके थ्रू ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या इस कॉइल में, क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो जाए, तो अगर ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा तो जो फ्लक्स लाइंस इसके थ्रू इंटर हो रही है इस कॉइल के थ्रू जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस है वो चीज चेंज हो रही है, दैट मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल के थ्रू। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे तो ये फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होगा और उसमें ईएमएफ जीरो होगा, एग्री। लेकिन अगर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव करके एक्सेलरेटेड हो, ये कुछ एक्सेलरेशन हो इसके पास में, तो ऐसे केस में अगर इसके पास अगर एक्सेलरेशन होता है तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इसके थ्रू जो क्रॉस हो रही है वो चीज चेंज होगी, और फ्लक्स लाइन चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स का चेंज डी फाई बाई डी टी मेरे पास में आ जाएगा, तो डी फाई बाई डी टी की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बिल्कुल हम लोग बोलेंगे कि सी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, सी कैन बी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसमें इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तो सी इज करेक्ट। डी में बोला गया द कॉइल इज स्टेशनरी, रुका हुआ कॉइल है, इन एक्सटर्नल स्पेशली वेरिंग स्पेशल वेरिंग मतलब क्या होगा, स्पेस के साथ, मतलब ये पोजिशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो कॉइल को ऐसे जगह में रखा गया है, कॉइल को स्टेशनरी रखा गया है, और हमने अभी देखा कि जो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पेस में बी अगर फंक्शन रहे आर का, तो इसमें अगर हम लोग डी बी बाई डी टी लेंगे, हम लोग डी फाई बाई डी टी ले रहे हैं, मतलब अगर एरिया को कांस्टेंट पाना है इस लूप का, तो डी बी बाई डी टी ले रहे हैं एक्चुअल में, है ना, तो डी बी बाई डी टी अगर हम लोग लेंगे जो कि सिर्फ स्पेस के साथ वेरी कर रहा है, बी सिर्फ फंक्शन है आर का, तो उसके साथ डेरिवेटिव टाइम के साथ डेरिवेटिव इसका दैट इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें कोई भी फ्लक्स कोई भी जो ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगा, बी अगर स्पेस का सिर्फ फंक्शन है, तो ये हमने अभी देखा, तो डी बी बाई डी टी उस केस में जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया, तो इसमें कोई भी ये इसमें साफ साफ वो भी मेंशन किया है कि विच डज नॉट चेंज विथ टाइम, जो टाइम का फंक्शन नहीं है, हाँ अगर बी आर का फंक्शन होता टाइम के साथ साथ फंक्शन होता तो इसका डी बाई डी टी इसका जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता था, बट बी सिर्फ आर का फंक्शन है, उसको टाइम के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो होने वाला ही, तो यहां बोलेंगे कि डी इज नॉट करेक्ट, तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए बी एंड सी। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ अ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, तो M12 इसमें बोला गया है, M12 के बारे में पूछा गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना। अब ये बोला गया कि किस पे ऊपर डिपेंड करती है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने पढ़ रखा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो चीज पर डिपेंड करती है, पहला रिलेटिव पोजिशन ऑफ कॉइल्स है ना, दो कॉइल्स के बीच का रिलेटिव पोजीशन क्या है पहला, दूसरा इसको बोल दो तुम डायमेंशन बोल दो, इसकी शेप बोल दो, ज्योमेट्री बोल दो, है ना, इन पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स। अब M12 हमें पता है, एक चीज और रिलेशन पता है कि M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड कॉइल, और दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, ठीक है, ये दो चीजें हमें दो रिलेशन पता है, और हमने ये चीज भी डिराइव कर रखा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट,
ये सिर्फ इन दोनों चीज पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड नहीं कर रही है कि किसमें कितना, दो कॉइल के बीच में क्या करंट फ्लो हो रहा है ना। जैसे दो कॉइल है हमारे बीच में, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, इसका रिलेटिव पोजीशन पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है कि इसका जो फ्लक्स है, पहले मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, और I1 की वजह से ये कितना फ्लक्स इसमें लिंक हो पा रहा है उस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा ना। कितना फ्लक्स वन का, कितना फ्लक्स सेकंड में कितना लिंक हो पा रहा है ना, तो इसका कितना रिलेटिव पोजीशन क्या है उस पे वो डिपेंड करेगा। अगर पास ले आएंगे तो ज्यादा ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, दूर ले जाएंगे तो कम कम फ्लक्स लिंक होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो अब एक एक ऑप्शन देखो, ये सारी चीजें हम लोग यहां से पता चल जाएगा। ए पार्ट में बोला गया इंक्रीज व्हेन दे ब्रॉट नियर, यस, जब उनको दोनों को पास लेके आया जाता है तो इसका जो फ्लक्स लिंक है, जब फर्स्ट का फ्लक्स लिंक जो हो रहा है सेकंड में, या सेकंड में का जो फ्लक्स होगा फर्स्ट में जो लिंक हो रहा है वो बढ़ जाएगा, तो इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ए इज करेक्ट। बी बोल रहा है डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग, नहीं, ये करंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करता कि किस कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो बी इज इनकरेक्ट, है ना। थर्ड पार्ट में बोला गया है इंक्रीजेस व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये डिपेंड करता है कि इसका ओरिएंटेशन कैसा है। हम लोग इस पर डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, अब कैसा रखा हुआ है कॉइल का पोजीशन कैसा है, वो किस तरह से रोटेट किया जा रहा है ना, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से रोटेट किया, उसके हिसाब से वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हमें पता नहीं है। जब तक हम इसका पोजीशन नहीं देखेंगे हम लोग पता नहीं सकते कि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, तो हम लोग इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सी इज इनकरेक्ट। डी में बोला गया इज सेम एज एम टू वन, एम वन टू इज सेम एज एम टू वन ऑफ कॉइल टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो बिल्कुल ये सही बात है, M12 is equal to M21. तो D यहां से A और D जो है that is correct option for this question. Next जो हमारे पास में question है, इसमें बोला गया है एक circular coil दिया हुआ हमें, एक circular coil expands radially in a region. एक circular coil है suppose इस तरह से, कुछ भी turns का होगा, number of turns n होगा, ठीक है, पीछे इसका मैं इसका front view ले रहा हूँ, इस तरह का circular coil है, ये expand करता है एक region में of magnetic field. एक region है जहां पे magnetic field है इस तरह से, है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एक रीजन में, और इस तरह का जो कॉइल है वो एक्सपेंड करता धीरे धीरे, है ना, सपोज एक्सपेंड करता ये ऐसा हो गया, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला गया है, दिस कैन बी अच्छा आगे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड एंड नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, ऐसा बोल रहा है कि इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू जीरो, है ना, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम लोग बात करें ईएमएफ इंड्यूस, हम लोग बोलेंगे क्या माइनस डी फाई बाई डी टी है, ऐसा बोलेंगे, अगर n टर्न्स है तो n डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, मैं उस पर कंसर्न हमारा नहीं है, तो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी है, तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए, अगर परपेंडिकुलर हमने मान रखा है मैग्नेटिक फील्ड को तो बी इंटू ए हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और ऐसा बोला गया है कि दिस इज इक्वल टू जीरो, ये चीज ऐसा बोला गया, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, देखो एक चीज तो इसमें चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर है वो चीज चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर इज एरिया जो एरिया वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है या एरिया वेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, एरिया वेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एरिया वेक्टर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस मेरा मैग्नेटिक जो बी है बी शुड या मस्ट डिक्रीज, बी शुड डिक्रीज, उसी के प्रोपोर्शनल में डिक्रीज करना पड़ेगा, जितना एरिया वेक्टर में जितना इंक्रीज आ रहा है उसी के प्रोपोर्शनल में मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये डी बाई डी टी का इक्वल टू जीरो होगा, अदरवाइज डी बाई डी टी जो होगा वो कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास में, क्योंकि एरिया वेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एरिया वेक्टर इंक्रीज करेगी तो डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट जो फ्लक्स है, फ्लक्स एरिया वेक्टर इंक्रीज कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख दिया, एरिया वेक्टर मेरा इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैंने कांस्टेंट रख दिया तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो वो चीज हमें ये चीज तो हमें दिया हुआ नहीं है, फ्लक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसा बोला गया है, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस इज जीरो, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे जीरो है, दैट मींस प्रोपोर्शनली जिस प्रोपोर्शनल में एरिया वेक्टर बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शनल में मैग्नेटिक फील्ड को कम होना पड़ेगा। तो यहां पर पहले ऑप्शन में बोला मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो गया तो एरिया वेक्टर इंक्रीज कर रहा है उसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ए इज नॉट पॉसिबल। बी में बोला गया मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल, हाँ, मगर एंड इट मे वेरी और नॉट वेरी, ये बात सही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के सेम प्लेन में आ जाए, तो देखो अगर मैं कुछ ऐसा केस हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैं एक दूसरा केस यहां पर बना रहा हूं,
एक दूसरा केस ले लेते हैं हम लोग, एक ये सपोज मेरे पास में ये अलग केस में बना रहा हूं, एक ऐसा केस हो कि जिसमें जो लूप है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ जाए, एरिया वेक्टर के सॉरी जो सेम प्लेन सर्कुलर कॉइल जो है उसी प्लेन में आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर प्लेन में आ जाए, सर्कुलर जो मेरे पास में ये है सर्कुलर कॉइल है उसी के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। अब क्या होगा कि बी एरिया वेक्टर तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, तो बी डॉट ए बी ए कॉस 90 बी ए कॉस 90 जीरो हो जाए, बी डॉट ए जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया, तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, तो दिस इज करेक्ट, है ना, दिस इज करेक्ट, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। हमने एक रीजन माना जिसमें परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर जो कॉइल है, जो कॉइल है उस जो फर्स्ट केस हमने जो माना है, फर्स्ट केस जो माना है जिसमें एरिया वेक्टर सॉरी जो कॉइल है, कॉइल के जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द केस। जो बी पार्ट में जो क्वेश्चन बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी पार्ट में बोला गया मैग्नेटिक फील्ड हैज परपेंडिकुलर, हाँ बी पार्ट में जो बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड है वो जो लूप है जो सर्कुलर लूप है हमारे पास में उसी उसी के प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया और बी डॉट ए जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया, जो कि केस को सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऑप्शन में देखो, मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग सुटेबली, ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट टू दैट लूप उसकी वजह से तो फ्लक्स नहीं आएगा, हमने अभी देखा। मैग्नेटिक फील्ड का बोल रहा है कि एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि अपने आप को इस तरह से कुछ सुटेबली एडजस्ट कर ले रहा है, सुटेबली डिक्रीज कर ले रहा है। तो देखो, जितना एरिया वेक्टर बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर अपने आप को चेंज कर ले, अपने आप को डिक्रीज कर ले, क्योंकि एरिया वेक्टर इंक्रीज कर रहा है, उसी प्रोपोर्शनल में अगर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को डिक्रीज कर ले तो बी डॉट जो बी ए है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बी इंटू ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ऐसे केस में भी ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो सकता है, सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी में देखते हैं, देर इज अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है कि अगर मेरे पास डी बाई डी टी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बी इंटू ए है, इसको हमको अगर जीरो करना है, और ये अगर कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट हो गया तो एरिया वैक्टर क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, एरिया वेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए डी फाइव बाई डी टी उस केस में जीरो नहीं हो पाएगा, है ना, डी फाइव बाई डी टी जीरो नहीं हो पाएगा, फाई मेरा इंक्रीज हो जाएगा, फाई इंक्रीज हो जाएगा, तो डी फाइव बाई डी टी कैसे जीरो होगा, तो डी इज नॉट पॉसिबल। सो यहां जो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास में है दैट इज बी एंड सी। अब इसमें जो हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, मैं भी थक गया, इसको लाइक जरूर करना इस वीडियो को, क्योंकि काफी मेहनत लग रही है यार, क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ इसमें से, और काफी मेहनत करता हूँ, टाइम निकालता हूँ इस जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए, इतनी मेहनत करके तुमको समझा रहा हूँ, तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर देना, काफी मोटिवेशन मिलता है। और ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स, एक हमारे पास में कॉइल है जो कि एन टर्न्स है ना, एक कॉइल है जो कि एन टर्न्स की कॉइल है, इस तरह की एन टर्न्स की कॉइल होगी कुछ, ये कॉइल है मेरे पास में जिसमें एन टर्न्स है, एन टर्न्स है, ऐसा बोला गया है। मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस ए इज विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, जिसके जो प्लेन है ना, दैट इज पैरेलल टू द फील्ड बी, तो ये जो इसका जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसकी जो प्लेन है जो हमने प्लेन में बना रखा है, जो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन है या फिर जो मोबाइल स्क्रीन, उसके प्लेन में हमने बना रखा है इस इस एन टर्न्स के कॉइल को, ये जो टर्न है एन टर्न्स का जो कॉइल है वो इस प्लेन में मैंने बना रखा है, और इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसी प्लेन में कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमने पता है कि बी डॉट ए है। तो देखो, अगर कॉइल इस प्लेन में है तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, कॉइल का एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्लेन में है
और एरिया वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो बी और ए में जो एंगल हो गया, एंगल बिटवीन बी एंड ए दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री. और अगर दो वेक्टर 90 डिग्री में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, तो पाई इज जीरो, फ्लक्स ही जीरो हो गया. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स विल बी जीरो सिंपली, क्योंकि बी और ए के बीच में 90 डिग्री. तो यहां से हम लोग बोल देंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज डी. तो इस तरह से इसमें इसमें हमने जो 15 क्वेश्चंस जो हमारे थे, अच्छे क्वेश्चन, 15 अच्छे क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करता है इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, वो हमने कवर कर लिया है. तो होप आपको ये जो चैप्टर है या फिर ये जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा. कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक जरूर करना. जो भी डाउट रहता है मैं या तो कमेंट सेक्शन में वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे हम लोग डायरेक्टली इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो मुझे जरूर पूछो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और सॉल्व करूंगा, उस डाउट को सॉल्व करूंगा. तो फिर चलो यार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.